हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम एक एक्सट्रीमली इजी एंड सुपर इफेक्टिव मल्टीपर्पज जेल बनाएंगे। इसका पहला इंग्रेडिएंट हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल है, जिसे फ्लावर ऑफ हेयर केयर भी कहा जाता है। ज़्यादातर हिबिस्कस को पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि इस फूल के गुणों के कारण इसका सेवन भी किया जाता है? आयुर्वेद में इसे एक उत्तम औषधि बताया गया है और गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जाता है। आज हम इसके इंटरनल कंजम्पशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर ध्यान देंगे। इस खूबसूरत फूल को कई हेयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिबिस्कस बालों के लिए रामबाण मीनिंग मैजिकल प्रूफ होता है। ये फूल बालों के ग्रोथ को प्रमोट करता है, इवन फॉर डॉर्मेंट फॉलिकल्स एंड बॉल्ड पैचेस, यानी कई बार गंजों के लिए भी इफेक्टिव होता है। ऑफ कोर्स बॉल्ड केसेस में ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जेल बनाने के लिए हम अपने फ्लावर्स में से ग्रीन स्टेम यानी कि बेस को सेपरेट कर देंगे। हमें इसके पोलन्स को भी अलग कर देना है। अपने जेल के लिए हम ब्लूम्ड फ्लावर्स या फिर उसकी कलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 फ्लावर्स लिए हैं और सबके पेटल्स को अलग कर दिया है। हिबिस्कस के रेगुलर यूज से नेचुरल हेयर कलर भी एनहांस होता है। और इस जेल का सेकेंड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, जिसे सदियों से हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया गया है। एलोवेरा पौधे का ताज़ा जेल सबसे बेस्ट माना जाता है। हमने अपने जेल के लिए 2 sticks एलोवेरा के लिए हैं। इसके साइड के कांटों को इस तरह से नाइफ से निकाल देना है। कहते हैं एलोवेरा में 75+ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, इंक्लूडिंग विटामिन्स, इसलिए इसे कॉस्मेटिक, फूड और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। एलोवेरा बहुत ही इम्प्रेसिव मॉइस्चराइजर है। ये ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है एंड इट इम्प्रूव्स डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। इसमें मौजूदा AHA में स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे अपने सेल्स नरिश होते हैं। हम अपने एलोवेरा स्टिक्स को इस तरह से नाइफ से सेंटर से काट लेंगे और फिर नाइफ या स्पून से इसके सेंटर मास को अलग कर देंगे। हिबिस्कस एलोवेरा जेल को फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे हाइपरपिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और डिस्कलरेशन के प्रॉब्लम्स में फायदा होता है। हिबिस्कस में नेचुरल बोटॉक्स की प्रॉपर्टीज पाई गई है, इसलिए ये स्किन के पोर्स को टाइटन करके प्री मच्योर एजिंग को डिले करता है। इस जेल को 15 मिनट्स फेस पर लगाकर ठंडे पानी से धो लेना चाहिए, जिससे आपके चेहरे को नेचुरल फेस लिफ्ट मिलेगा। यस, हिबिस्कस कैन स्टेन योर क्लोथ्स ऑल्सो, सो वेयर क्लोथिंग अकॉर्डिंगली। देखिए, हमने अपने एलोवेरा के मास को सेपरेट कर लिया है। जेल तैयार करने के लिए हम एक मिक्सी जार में हिबिस्कस के पेटल्स और एलोवेरा के मास को डालकर चर्न कर लेंगे। इस पेस्ट को हमें फ्रेश ही यूज करना है। मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए हमें इस जेल को अपने हेयर पर हफ्ते में 3 बार यूज करना है। प्लेन हेयर पर यूज करेंगे, यानी कि ऑयल्ड हेयर करने की जरूरत नहीं है। जेल को बालों में पार्टिंग करके ड्रॉपर की मदद से पूरे स्काल्प पर लगा लेना है। 2 घंटा छोड़ दीजिए और फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। सो दिस वॉज अवर इजी टू मेक एफिशियंट पावरफुल जेल। होप यू रिलिश्ड द इन्फॉर्मेशन गिवन। डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड यहाँ स्क्रीन पर है आपके लिए कुछ और वीडियोज़।